Dear students, myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, would like to discuss today the last medicinal plant mentioned in your syllabus, that is Papaver somniferum. It is part of Unit 5th of Botany Paper 2nd, BSc 2nd year. Papaver somniferum, member of family Papaveraceae. और इससे आप सभी वाकिफ हैं, जैसा कि ये फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है. ओपियम अर्थात अफीम जिस पौधे से प्राप्त होती है, वही पौधा साइंटिफिकली पेपेवर सोमनीफेरम के नाम से जाना जाता है. इसे ओपियम कहा जाता है, पॉपी कहा जाता है, अफीम हिंदी में हम कहते हैं, या पोस्ट दाना के नाम से भी, इसकी बीजों को जैसे हम पोस्ट दाना के नाम से भी जानते हैं. और सोमनीफेरम इसका जो स्पेसिफिक एपिथेट है, वो इसका रीज़न ये है, सोमनिया आप सभी जानते हैं, इनसोमनिया अनिद्रा, नींद के लिए सोमनी वर्ड यूज़ हो रहा है. तो सोमनीफेरम क्योंकि ये नींद इंड्यूस कर सकता है, इस वजह से इसे पेपेवर सोमनीफेरम नाम दिया गया. और जो मुख्य भाग जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखते हैं, वो इसका लेटेक्स और इसके बीज. तो इसके जो फ्रूट्स हैं, उससे लेटेक्स निकलता है जिसे हम अफीम कहते हैं, और इसके बीज सीड्स जो हैं जिसे हम पोस्ट दाना कहते हैं या खसखस के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों ही हम मेडिसिनली उपयोग में लेते हैं. ये राइट साइड में आप इसी अफीम का एक पौधा देख रहे हैं, जिसपे ये वाइट बड़े लार्ज साइज के फ्लावर्स दिख रहे हैं. यह प्लांट इट इज़ नेटिव ऑफ एशिया माइनर एंड इंडिजिनस टू इवन मेडिटेरियन रीजन. और वर्ल्ड में तस्मानिया, बुल्गारिया, बर्मा, इंडिया, हंगरी, फ्रांस, ईरान, जापान, इन सभी जगह इसका कल्टीवेशन किया जाता है. और अगर भारत की बात करें तो राजस्थान के कुछ एरियाज़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में इसका कल्टीवेशन किया जाता है. और राजस्थान में तो आप जानते हैं चित्तौड़ के आसपास, और मध्य प्रदेश में नीमच और निम्बाहेड़ा, और ये कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पर अफीम की खेती होती है. और चूँकि आप जानते हैं कि अफीम एक नारकोटिक पदार्थ है, इसको लेने से नशा आता है, इस वजह से इसकी खेती करने से पहले किसान को लाइसेंस लेना पड़ता है. सो व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्लांट. ये प्लांट एक हर्ब है, हर्बेशियस पौधा है, एनुअल है, यानी हर साल हमें इसको ग्रो करना होता है. इरेक्ट ग्लैक्यूस हर्ब, इसकी हाइट 30 to 100 सेंटीमीटर हो सकती है. पत्तियाँ आप देख ही रहे हैं, जैसे इस फोटोग्राफ में भी दिख रही हैं, सिंपल लीव्स हैं, ऑल्टरनेट होती हैं, एक्सटिपुलेट होती हैं, अर्थात इसमें अनुपर्ण नहीं होते हैं, ओवेट ओब्लॉन्ग या फिर लीनियर ओब्लॉन्ग हो सकती हैं, ससाइल होती हैं पत्तियाँ. ये किसकी खासियत है कि पत्तियों में पर्णव्रंथ यानी पिटियोल एब्सेंट होता है, और एम्प्लेक्सिकॉल होती हैं जिसे कहते हैं स्तंभालिंगी, अर्थात स्टेम को पूरी तरीके से चारों ओर से कवर करती हुई ग्रो होती हैं. तो ये भी एक स्पेशल इसका कैरेक्टर है पत्तियों का. और इसकी पत्तियों की मार्जिन आप देख रहे हैं, सीरेटेड मार्जिन है, डेंटेट मार्जिन है, लोब्ड है, लोब्स में डिवाइडेड है पत्तियाँ, और मार्जिन जो है वो भी सीरेटेड होती है. फ्लावर्स बड़े बड़े लार्ज शोई वाइट कलर के फ्लावर्स आपको दिख ही रहे हैं, समटाइम्स कभी कभी पर्पल या स्कारलेट रेडिश जोन कलर के भी फ्लावर्स इसमें उगते हैं. फ्लावर ई ब्रैक्टिएट होता है. ये सारी फ्लावर्स रिलेटेड टर्म्स आप टेक्सोनॉमी के पेपर में पढ़ चुके हैं. ई ब्रैक्टिएट जिसमें सहपत्र नहीं होता है, पेडिसिलेट अर्थात जिसमें पुष्पव्रंथ पाया जाता है, पेडिसल इज प्रेजेंट. और ये फूल एक्टिनोमॉर्फिक है, जिसे आप कहते हैं त्रिज्यात सममित. और बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अर्थात इसमें एंड्रोशियम और गैनोशियम दोनों ही एक साथ मिलते हैं एक ही फूल में. हाइपोगाइनस कंडीशन इसमें मिलती है, इसका तात्पर्य ओवरी इसकी सुपीरियर पोजीशन में होती है इसके बाकी सारे चक्रों से. और पेराइटल प्लासेंटेशन मिलता है, ये पेपेवरसी फैमिली के अंदर कई प्लांट्स में देखने को मिलता है, जैसा कि आपको पेराइटल प्लासेंटेशन के और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ककड़ी, ककुम्बर, कुकुरबिटेसी फैमिली के जो पौधे हैं उसके अंदर आप देखते हैं पेराइटल प्लासेंटेशन. और साइक्लिक यानी चक्र में ये सारे चारों चक्र जो होते हैं इसके लगे हुए होते हैं. तो ये इसके फ्लावर्स के कैरेक्टर्स हैं. और इसका फ्रूट जो है बड़ा ही स्पेशल प्रकार का है, आप देख ही रहे हैं, कैप्सूल है. और इस कैप्सूल के टिप पे आप देख रहे हैं डिस्क दिख रही है, वो डिस्क स्टिग्मेटिक डिस्क है, और वो परसिस्टेंट रह जाती है यानी चिरस्थाई रहती है. और स्टॉक है, लंबा सा स्टॉक इसके फ्रूट के नीचे दिख रहा है, बड़ा ग्लोबोस कैप्सूल है. और इसके अंदर जो बीज भरे हुए होते हैं वो बीज छोटे छोटे से वाइट या ब्लैकिश रेनीफॉर्म सीड्स होते हैं, ये याद रखिएगा.
आप जब इसको अगर हैंडलेंस की सहायता से भी अगर इसकी सीड्स को पोस्टर दाना को या खसखस के दाने को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो रेनी फॉर्म है, अर्थात किडनी शेप्ड होते हैं, हल्की सी उसमें आपको ग्रूव दिखेगी और इसमें छोटा सा माइन्यूट एम्ब्रियो होता है और उसके साथ ही इसमें इसके बीजों में भ्रूणपोष मिलता है, वो जो एंडोस्पर्म मिलता है वो ऑयली होता है और इसीलिए इसके बीजों से तेल भी मिलता है, इसको पॉपी ऑयल कहते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और कैप्सूल ये जो है उसका जब डाइसेंस है जिससे बीजों का प्रकीर्णन होता है वो छेद के द्वारा होता है, इसको सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं, इसको कहते हैं डोल शेप विधि, क्योंकि जब हवा चलती है तो जब ये कैप्सूल है इस कैप्सूल के जो स्टिग्मेटिक डिस्क है उसके नीचे छोटे छोटे पोर्स छेद बन जाते हैं और हवा चलती है तो उसकी सहायता से उन पोर्स की उन छेदों की सहायता से वो बीज अंदर जो पड़े हैं वो बीज बाहर निकल के डिस्पर्स हो जाते हैं, तो इसे डोल शेप विधि कहते हैं प्रकीर्णन की, या सेंसर मैकेनिज्म कहा जाता है। तो इसका फ्रूट बड़ा इंपॉर्टेंट है मेडिसिनली, क्योंकि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में भी जिससे इसकी सहायता से व्हाइट कलर का लेटेक्स इस पे बाहर निकलता हुआ दिख रहा है और ये लेटेक्स मेडिसिनली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ ये एक रबी की क्रॉप है, यानी सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली क्रॉप है और सीड्स इसके द्वारा ही इसका प्रोपेगेशन किया जाता है अक्टूबर नवंबर में और फसल इसकी तैयार हो जाती है मार्च अप्रैल तक, इसके कैप्सूल्स रेडी हो जाते हैं जिसमें से आप लेटेक्स को निकाल सकें। इसको ग्रो करने के लिए एक कूल वेदर चाहिए, परंतु सनशाइन एडवोकेट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डेसिकेटिंग या फ्रीजिंग टेम्परेचर ऐसा हो जाए या पाला पड़े तो फिर वो इसकी फसल ख़राब हो जाती है, कैप्सूल्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और मिट्टी सैंडी लॉमी सॉइल जिसे कहते हैं, बलुई दोमट मिट्टी, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, पानी उसमें इकट्ठा ना हो, रिच इन द ऑर्गेनिक मैटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली नाइट्रोजन रिच सॉइल इसके लिए बेनिफिशियल होती है। अब ओपियम कलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसको बहुत सावधानी से किया जाता है, क्योंकि अगर इसमें अगर कोई मिस्टेक रह जाती है तो जो आपको यील्ड मिलने वाली लेटेक्स की बहुत कम मिलेगी या पुअर क्वालिटी का लेटेक्स मिलेगा, जिससे प्रॉपर वे में एल्केलॉइड्स आइसोलेट जब नहीं हो पाएंगे तो आपको उसकी वैल्यू या अमाउंट कम मिलेगा, तो इसलिए प्रॉपर वे में इसकी लेंसिंग की जाती है और ये स्पेशली फरवरी के मिड से स्टार्ट कर दी जाती है लेंसिंग और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ये चलती है। और कब इसके अंदर इंसाइजन यानी इसके अंदर कब इसमें चीरा लगा के इसमें लेटेक्स निकाला जाता है इसके कैप्सूल से, वो जज किया जाता है बाय द कॉम्पैक्टनेस एंड चेंज इन द कलर ऑफ द कैप्सूल, कैप्सूल की क्या उसकी कॉम्पैक्टनेस है और उसके कलर देख करके आइडिया लगाया जाता है। और यूजली जो चीरा लगाया जाता है इंसाइजन इज मेड इन द आफ्टरनून और जब धीरे धीरे उसे व्हाइट कलर के जो एक्सुडेट्स लेटेक्स है वो ड्रॉपलेट जो है उसके ऊपर कैप्सूल पे जमती जाती है और ओवरनाइट तक उसको जमने दिया जाता है, निकलने दिया जाता है, परंतु सनराइज होने से पहले उसको स्क्रैप ऑफ करके निकाल लिया जाता है और प्लास्टिक के कंटेनर्स में इकट्ठा कर लिया जाता है। और जैसे ही ये कैप्सूल से जब लेटेक्स बाहर आ रहा है तब वो वाइट रंग का है और जैसे जैसे वो हवा के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे वो हार्ड हो जाता है और उसका रंग भी बदलने लगता है और बाद में इसको बॉल्स बना करके इसकी शेप बना करके इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इनसीजन जो है यूजली उस कैप्सूल में नीचे से ऊपर की ओर किया जाता है फ्रॉम द बॉटम अपवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टूल्स, इसके लिए पर्टिकुलर टाइप के स्पेशल नाइफ्स का प्रयोग किया जाता है जिसकी सहायता से कैप्सूल में चीरा लगाया जाता है और वेरी केयरफुली इंसिजन किया जाता है, नाइदर टू डीप एंड नाइदर टू शैलो, अगर बहुत ज्यादा डीप कर दिया है तो भी दिक्कत होगी और बहुत हल्का किया है तो भी लेटेक्स बाहर नहीं आएगा, तो बहुत ही सदैव हाथों से आपको इंसिजन को करना होता है और ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है टिल द एक्सुडेशन ऑफ द लेटेक्स स्टॉप्स कमिंग आउट एंड कैप्सूल्स बिकम ड्राई, जब कैप्सूल पूरे ड्राई हो जाते हैं तब ये लेटेक्स को एक्सुड करके बाहर निकालने का काम बंद कर दिया जाता है। जनरली एक कैप्सूल पे चार लेंसिंग के सेशंस किए जा सकते हैं और दो लेंसिंग के बीच में दो दिन का इंटरवल दिया जाता है ताकि लेटेक्स बनने का उसको टाइम मिल जाए, तो ये इसका ओपियम कलेक्शन का प्रोसीजर रहता है। और 1000 कैप्सूल से 30 से 50 ग्राम लेटेक्स कलेक्ट होता है फ्रॉम द फर्स्ट इंसिजन और फिर जब ये बाहर आ गया तो उसको सनलाइट में सुखा दिया और तब ये धीरे धीरे डार्क ब्राउन कलर का कैरेक्टरिस्टिक इसकी स्मेल आती है और बाद में इसको डिपार्टमेंट ऑफ नार्कोटिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा जाता है जहाँ पे इसको वे केयर के आगे की प्रोसेसिंग होती है और बाद में गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्केलॉइड वर्क्स गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ इसको भेज दिया जाता है जहाँ इसमें से जो मेडिसिनल पर्पज के लिए डिफरेंट एल्केलॉइड्स एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन आगे का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को बेचने का काम किया जाता है।
तो लेटेक्स को जब आपने रिमूव कर दिया तो कैप्सूल जो है अब तो खाली है और सूख भी गया है, ड्राइड कैप्सूल है। अब उसको हाथ से तोड़ लिया जाता है और तोड़ने के बाद आप जानते ही हैं कि कैप्सूल में क्या भरा है, बीज है, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होंगे। तो ये जो सीड्स हैं जिसे हम पॉपी सीड्स या खसखस या पोस्ट दाना कहते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कैप्सूल्स को तोड़ के इसको सेपरेट कर लेते हैं और फिर उस सीड्स का प्रयोग हम एज इट इज हम लोग हमारी मिठाइयों में और बाकी कई सारी प्रिपरेशन बनाने में तो करते ही हैं, परंतु ऑयल बनाने के लिए भी इसको इंडस्ट्रीज को बेचा जाता है ताकि ये पॉपी ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो ये लेटेक्स जो है इट इज केमिकली वेरी रिच इन एल्केलॉइड्स। 35 टाइप के एल्केलॉइड्स इसके अंदर मिलते हैं। इसमें सबसे मुख्य है जो मिलने वाला एल्केलॉइड है वो है मॉर्फीन C17H19O3N, और ये मॉर्फीन 914% उस लेटेक्स के अंदर मिलता है जो मेडिसिनली काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोडीन मिलता है 0.7 to 2.5%, थीबेन मिलता है 0.3 to 1.5%, नोस्केपीन मिलता है 5.5 to 11%, एंड पेपेवरीन मिलता है 1%। इसके अलावा उस एल्केलॉइड्स के अलावा इस कैप्सूल में जो लेटेक्स निकल रहा है उस लेटेक्स के अंदर कुछ मात्रा में गम्स, ओलियोरिजीन्स, कुछ ऑयल, कुछ पिगमेंट्स भी आइसोलेट किए जाते हैं। तो मॉर्फीन जैसा आपने सुना ही होगा, मॉर्फीन के इंजेक्शंस जो कि बहुत ही पेन रिलीविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, पर इसका नार्कोटिक इफेक्ट है, तो इसको नार्कोटिक के फॉर्म में यानी नशा लाने वाले के फॉर्म में भी कई जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये इसके साथ में एक बैड इफेक्ट है, परंतु अगर लिमिटेड अमाउंट में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में इसको लिया जाए तो ये बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सेडेटिव प्रॉपर्टी भी है, यथा नींद लाने वाली प्रॉपर्टी है, एनोडाइन प्रॉपर्टी है, एंटी स्पास्मोडिक प्रॉपर्टी है, जैसा हमने देखा ही था कि ये जो मरोड़ है, इस तरीके के जो क्रैम्प्स आ रहे हैं उसको, स्पाज्म को कम करने की प्रॉपर्टी है, हिप्नोटिक इफेक्ट है, सुडोरिफिक है, और स्पेशली कफ मेडिसिन, आप कफ सिरप्स जो लेके आते हैं बाजार से तो उसमें देखेंगे मॉर्फिन स्पेशली डाली जाती है, और कई बार देखते हैं कि जो लोग हैं उनको कफ सिरप का एडिक्शन हो जाता है, वो दिन में 3-4 कफ सिरप की बोतल खाली कर देते हैं चाहे उनको खांसी है या नहीं, बिकॉज क्योंकि मॉर्फिन का नार्कोटिक इफेक्ट आना शुरू हो गया इस वजह से। इसके अलावा मॉर्फिन डायरिया और वॉमिटिंग को दूर करने में भी यूज में लिया जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको कम करने में भी और ब्लीडिंग को कम करने में भी मॉर्फिन का प्रयोग किया जाता है, पर अगर बहुत हाई क्वांटिटी में अगर इसको लिया जा रहा है तो इसकी टॉक्सिक डोजेज जो हैं वो स्लीप इंड्यूस करेंगी, धीरे धीरे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने लग जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, आदमी को लकवा हो जाएगा, कोमा में जा सकता है और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है मॉर्फिन ज़्यादा लेगा तो। तो यूजली जो ड्रग एडिक्ट्स हैं अगर उनको ध्यान नहीं रहे और बहुत अधिक मात्रा में डोज अगर ले ली है तो दे में अल्टीमेटली डाई ऑल्सो। देन इसके अलावा और भी इसमें जो एल्केलॉइड्स हमने पढ़े, कोडीन भी यूजली कफ सिरप यानी वूपिंग कफ को दूर करने में स्पेशली यूज किया जाता है, इसका भी माइल्ड एनाल्जेसिक इफेक्ट भी है, दर्द निवारक गुण भी इसमें मिलते हैं, कोडीन सल्फेट और कोडीन फॉस्फेट के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अनादर एल्केलॉइड इज नोस्केपिन। नोस्केपिन की भी एंटी टेसिव प्रॉपर्टी है इन वेट कफ, यानी जो गीला कफ है उसको बाहर, कफ को बाहर निकालने में, उसको एक्सपेल करने में इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ब्रोंकियल अस्थमा और पल्मोनरी एम्फिसीमा अगर किसी को हुआ है, तो दमे का प्रॉब्लम है या लंग्स के अंदर एम्फिसीमा हो गया, तो वो कफ को पूरा बाहर निकालने में बहुत हेल्प करता है। पेपेवरीन एंटी स्पास्मोडिक के रूप में स्पेशली बहुत यूज में आता है। इसके अलावा इस पेपेवरीन की प्रॉपर्टी है वेजोडाइलेटर इन कोरोनरी एंड सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस। तो जहां पे आप जानते हैं वेजोडाइलेशन एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा जो धमनियां, जो हमारी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसको चौड़ा करने के लिए ये एक पेपेवरीन का इस्तेमाल किया जाता है। और अस्थमा, दमे के अंदर भी जहां ब्रोंकियल अस्थमा अगर हो गया है, तो जब ब्रोंकाई में अगर स्पाज्म हो गया है उसको रिलीव करने में ये पेपेवरीन का प्रयोग किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे एल्केलॉइड स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल हैं। और इसके अलावा जब एडवांस स्टेज फीवर की अगर हो गई है, बहुत बुखार बहुत बढ़ गया है, तो इसको मॉर्फिन को अकेले में या इसको कपूर के साथ दिया जाता है। इसके अलावा टू रिलीव नर्वस एक्साइटमेंट एंड इंड्यूस स्लीप। इसके अलावा स्पास्मोडिक पेन को दूर करने में, और कई बार मॉर्फिन जो है इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट केस ऑफ डायरिया डिसेंट्री, दस्त और पेशी अगर ऐसी हो गई है तो एक्यूट केसेस में उसको दिया जाता है। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम अगर हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, या फिर कैंसरस या सिंपल अल्सर हो गया स्टमक में,
तो दिया जाता है, या कहीं यूरिनोजेनिटल डिसऑर्डर्स अगर हो गए हैं, मूत्र जनन संबंधी रोग अगर हो रहे हैं, तो उस सब में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और कई बार आंखों की प्रॉब्लम्स ऑप्थेल्मिया में, न्यूरेल्जिया या रोमेटिज्म के अंदर बाहर से एक्सटर्नली एप्लीकेशन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एंड देन वी कम टू द सीड्स, जो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडिसिनली, जिसको हम उपयोग में लेते हैं। सीड्स दे आर टोटली फ्री फ्रॉम द नार्कोटिक इफेक्ट। तो सीड्स लेने से नशा नहीं आता है, जबकि लेटेक्स से नशा आता है, तो वो उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक लेना होता है। पर सीड्स दे आर टोटली फ्री फ्रॉम नार्कोटिक इफेक्ट, दे आर ईटन एज सच। और बेकरी में आप जानते ही हैं, बेकरी के बिस्किट्स बेकरी इंडस्ट्री में बहुत यूज करते हैं, इससे एक सेमी ड्राइंग प्रकार का फैटी ऑयल निकलता है जिसे पॉपी ऑयल कहते हैं। और पॉपी ऑयल कुलिनरी पर्पजेज के लिए, इवन पेंट मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिस्ट इंक, डायरिया, डिसेंट्री दूर करने में और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में भी पॉपी ऑयल का प्रयोग किया जाता है। और आप जानते ही हैं, पॉपी को आप हलवा बना करके भी सर्दियों में यूज़ करते हैं, मिठाइयों में यूज़ करते हैं, खीर में यूज़ करते हैं। तो पोस्तदाना का प्रयोग हम लोग एज एन एडिबल कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी नार्कोटिक इफेक्ट। तो ये यहाँ पे हम जो आपके सिलेबस के चारों मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा था राउल फेयर सरपेंटिना, सेकेंड वॉज सेंकोना, थर्ड वॉज धतूरा, एंड फोर्थ इज दिस पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम फ्रॉम द फैमिली पेपेवरेसी, एंड द मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट पार्ट इज लेटेक्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स कैप्सूल्स एंड इट्स सीड्स। और जो एल्कलॉइड इसमें जो इम्पॉर्टेंट मिलते हैं वो हैं मॉर्फिन, उसके अलावा कोडीन और कुछ और अन्य एल्कलॉइड्स भी मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट हैं। सो विद दिस वी फिनिश मेडिसिनल प्लांट्स अ पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक बॉटनी फ्रॉम द यूनिट 5th। Thank you very much.